हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको शो करने वाला हूँ PHP MySQL में बना हुआ एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है बुक माई टेबल। ठीक है, इसको हम रेस्टोरेंट टेबल रिजर्वेशन नाम भी दे सकते हैं। सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किया है ज़ैम्प। ज़ैम्प के अलावा आप चाहें तो वैम्प का यूज़ कर सकते हैं या लैम्प या मैम्प का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नोटपेड प्लस प्लस का यूज़ किया है और कोई ब्राउज़र की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, गूगल क्रोम या एक्सप्लोरर या मोज़िला। फ्रंट एंड लैंग्वेज जो हमने डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ की है वो है HTML, CSS, JavaScript और बूटस्ट्रैप। ठीक है, बैकएंड में हमने यूज़ किया है PHP जो कि हमारी सर्वर साइड लैंग्वेज है और MySQL हमारा डेटाबेस है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को परचेस करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। ठीक है, अगर आप इसकी रिपोर्ट और PPT भी चाहते हैं तो कॉस्ट है 1100 और विथआउट रिपोर्ट PPT कॉस्ट है 1000। ठीक है, अब मैं आपको प्रोजेक्ट डिस्प्ले करता हूँ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, एक फोल्डर है जिसके अंदर काफ़ी सारी PHP की फाइल्स हैं। ठीक है, इस फोल्डर को आपको कॉपी करके रखना है ज़ैम्प के अंदर। अगर आप ज़ैम्प सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो आपको ज़ैम्प सॉफ्टवेयर को ओपन रन करना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है। तो हमने ज़ैम्प स्टार्ट कर दिया और ज़ैम्प के अंदर HT डॉक्स फोल्डर में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, जो हमारा सोर्स कोड है उसको मैंने पेस्ट कर दिया HT डॉक्स के अंदर। और सबसे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है, तो डेटाबेस का सारा कोड एक फाइल के अंदर दिया हुआ है जिसका नाम है बुक माई टेबल PHP.SQL। ठीक है, जो सोर्स कोड है उसी में आप देखेंगे एक फाइल रहेगी बुक माई टेबल PHP.SQL। इसको आप ओपन करेंगे नोटपेड प्लस प्लस के साथ। अब इसमें जो सारा कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें हमने क्या किया है, टेबल सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट किया है, फिर डेटाबेस के अंदर मैंने काफ़ी सारे टेबल्स बनाए हैं। एक साइट यूज़र टेबल है जिसमें यूज़र्स की इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी, एडमिन टेबल है जिसमें एडमिन की इंफॉर्मेशन रहेगी, एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड, बुकिंग टेबल, कोई भी टेबल बुक करता है, टेबल बुक करता है मतलब जैसे रेस्टोरेंट में हम टेबल बुक करते हैं कि हम इस डे को इस पर्पस के लिए और ये हमारा मील प्लान रहेगा, इतने बजे हम चाहते हैं हमारी बुकिंग, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस टेबल के अंदर रहेगी। ठीक है, यूज़र ने अमाउंट पे किया है या नहीं किया है बुकिंग का, वो सब इन्फॉर्मेशन इसमें हम रखेंगे। ठीक है, तो ये सारे टेबल आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इसको कॉपी करना है। तो कोड को सिलेक्ट कर लिया, सारा का सारा कोड मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप ब्राउज़र ओपन करेंगे और ब्राउज़र ओपन होने के बाद आपको, अगर आपने ज़ैम्प को स्टार्ट कर दिया है तो आपको टाइप करना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट टाइप करने के बाद आप स्लेश लिखेंगे, एंटर कर देंगे। अब आप क्लिक करेंगे PHP माई एडमिन पे। ठीक है, देन आफ्टर आपको, आपने जो कॉपी किया था कोड उसको आप SQL में जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप गो पे क्लिक करेंगे। तो ये जो भी क्वेरीज थी, हमने डेटाबेस क्रिएट किया था और कुछ टेबल्स बनाए थे, कुछ रिकॉर्ड भी इंसर्ट किए थे, वो सारा कोड हमने यहाँ पे पेस्ट करके एग्जीक्यूट किया। तो ये सक्सेसफुली हमारा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब सारी की सारी क्वेरीज जो हैं सक्सेसफुली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। आप यहाँ पे रिफ़्रेश करके देख सकते हो, एक टेबल, एक यहाँ पे डेटाबेस आ चुका है
बुक माई टेबल PHP नाम का। इसके अंदर हम जाएंगे तो आप देखोगे ये सारे टेबल्स हैं, तीन टेबल्स हैं। एडमिन टेबल के अंदर आप देखोगे एडमिन का नाम दिया हुआ है, पासवर्ड भी दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लोकल, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लोकल होस्ट स्लेश उस फोल्डर का नाम जो सोर्स कोड मैंने आपको दिया है, जिसमें सोर्स कोड है, जो फोल्डर का जो नाम, फोल्डर का जो नाम है वो नाम आपको कॉपी करना है और लोकल होस्ट के बाद यहाँ पे उस नाम को पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। आप इसमें देख रहे हैं ऊपर फ्रंट पेज आपको दिख रहा है, फ्रंट पेज में हमने ये स्लाइडर लगाया हुआ है। अभी ये स्लाइडर वर्क नहीं कर रहा है, हो सकता है मैंने क्योंकि बूटस्ट्रैप यूज़ किया है तो मुझे इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप का CDN यूज़ किया है, ऑनलाइन बूटस्ट्रैप की फाइल्स, ऑनलाइन हम बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो मैं अपना पहले इंटरनेट ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा इंटरनेट से कनेक्शन हो चुका है। अब आप देखेंगे, एक बार मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, मैंने रिफ़्रेश कर दिया है और अब आप देख रहे हैं ये स्लाइडर वर्क कर रहा है। तो आपके लिए मैं बता देता हूँ कि इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि जो बूटस्ट्रैप हमने अप्लाई किया है तो बूटस्ट्रैप सही से वर्क करे, बूटस्ट्रैप का कोड सही से वर्क करे तो इंटरनेट से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज डिज़ाइनिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद अब आप देखेंगे अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, रजिस्ट्रेशन पेज। कोई भी न्यू यूज़र होगा तो पहले वो रजिस्ट्रेशन करेगा और अगर ऑलरेडी यूज़र है तो फिर साइन अप, अगर वो कर चुका है, रजिस्ट्रेशन कर चुका है तो वो लॉगिन करेगा। तो पहले हम साइन अप करके एक नया यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ID एंटर करना है। तो ID में हम आधार ID, लाइसेंस या पेन, वोटर ID, कुछ भी ID दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोई ID एंटर कर दिया, सपोज आधार ID। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने कोई भी यहाँ पे ID नंबर दे दिया। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नेम, तो मैंने यहाँ पे नाम एंटर कर दिया हरीश, पासवर्ड दे दिया, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, एंटर योर पासवर्ड, ईमेल आईडी। देन आफ्टर नेशनलिटी इंडियन। तो यूज़र जब रजिस्ट्रेशन करेगा तो ये सारी फील्ड्स उसको फिल करनी है, उसके बाद वो सबमिट पे क्लिक करेगा। सबमिट पे क्लिक किया तो साइन अप सक्सेसफुल हो गया। आप देख सकते हैं डेटाबेस में ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। अगर मैं साइट यूज़र में जाऊंगा तो आप देखेंगे अभी हमने जो रजिस्ट्रेशन किया तो उसका डेटा यहाँ डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। स्टेटस की वैल्यू अभी पेंडिंग है, मतलब जब तक पेंडिंग रहेगा स्टेटस तब तक यूज़र लॉगिन नहीं कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और पासवर्ड लिख के अभी एंड लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो ये इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल आ रहा है क्योंकि स्टेटस अभी क्या है, पेंडिंग है। तो इस स्टेटस को एक्सेप्ट करने के लिए एडमिन अकाउंट को ओपन करेंगे। तो आप टाइप करेंगे एडमिन,
तो ये एडमिन का होम पेज आ जाएगा, आपने एडमिन से लॉगिन किया, एडमिन का यूज़र नेम दिया, एडमिन का पासवर्ड दिया, लॉगिन पे क्लिक किया। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप एडमिन को यहाँ पे दिखेगा टोटल न्यू यूज़र रिक्वेस्ट, मतलब कितने नया नए यूज़र्स की रिक्वेस्ट आई है। तो यहाँ पे अभी एक यूज़र ने साइन अप किया है, मतलब उसकी रिक्वेस्ट आई है। टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र्स, एक यूज़र क्रिएट हो चुका है। टोटल बुकिंग रिक्वेस्ट, अभी कोई बुकिंग नहीं आई है। न्यू यूज़र रिक्वेस्ट पे अगर जाता है एडमिन, तो उसको यहाँ पे यूज़र, जिस भी यूज़र ने साइन अप किया है उसकी इन्फॉर्मेशन उसको यहाँ पे दिखेगी। अगर एडमिन को लगता है कि यूज़र जो है वैलिड है, ठीक है, उसने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है, तो वो उसको असाइन स्टेटस में जाके एक्सेप्ट पे क्लिक कर सकता है या रिजेक्ट पे क्लिक कर सकता है। अगर उसको लगता है कि ये यूज़र करेक्ट है तो वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज रिजेक्ट भी कर सकता है। तो सबमिट किया, फ़िलहाल के लिए हमने एक्सेप्ट को सिलेक्ट किया, सबमिट किया। तो इस ये जो है न्यू यूज़र रिक्वेस्ट यहाँ से हट जाएगी, क्योंकि अब ये यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। व्यू यूज़र्स में जाके आप देख भी सकते हैं कौन कौन से यूज़र्स है टोटल। तो एक ही अभी यूज़र है, स्टेटस भी इसका एक्सेप्ट है, अगर एडमिन चाहे तो उसको डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, अब इससे हम लॉग आउट करते हैं और वापस जाते हैं यूज़र मॉड्यूल में। यूज़र मॉड्यूल में जाके हम अब लॉगिन करते हैं। यूज़र का हमने यूज़र नेम, कॉन्टेक्ट नंबर दिया और पासवर्ड दिया। अब यहाँ से लॉगिन हो जाएगा अगर मैं सही कॉन्टेक्ट नंबर पासवर्ड दूंगा, क्योंकि स्टेटस एक्सेप्ट हो चुका है। तो यूज़र ने अपना कॉन्टेक्ट नंबर पासवर्ड दिया और उसका होम पेज ओपन हो चुका है। उसको यूज़र को अपना यहाँ पे आईडी, फर्स्ट पूरा प्रोफाइल यहाँ पे शो होगा मेन पेज पे। वो चाहे तो एडिट प्रोफाइल पे जाके अपनी प्रोफाइल में एडिट भी कर सकता है। तो एडिट प्रोफाइल पे मैंने क्लिक किया और हम चाहें तो यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। सपोज़ मुझे ईमेल आईडी चेंज करना है, मैंने हरीश42 कर दिया। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक किया और अब आप देखेंगे ईमेल आईडी चेंज हो जाएगा। इसी तरह आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम में भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये यूज़र टेबल रिजर्वेशन करना चाहता है, टेबल बुक करना चाहता है, तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि टेबल जो बुक करना है रेस्टोरेंट में, तो वो कितने पर्सन्स के लिए बुक करना है। 2 पर्सन के लिए, 3 पर्सन के लिए। तो सपोज़ 3 पर्सन मैंने ले लिया। पर्पस मीटिंग, कैजुअल, सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन हमने यहाँ से ले लिया, मील प्लान, डिनर, ब्रेकफास्ट हमने यहाँ से ले लिया, डिनर। टाइम टाइम हमने ले लिया 9 और यहाँ पे दे दिया 00 PM। डेट हमने यहाँ पे दे दिया, तो डेट मैंने यहाँ से ले लिया 3। सबमिट पे क्लिक किया तो बुकिंग टेबल रिजर्वेशन सक्सेसफुल। ठीक है, और व्यू बुकिंग में अब यूज़र अपनी बुकिंग देख सकता है, बट स्टेटस अभी उसको दिखेगा पेंडिंग। ठीक है, जब एडमिन इसको कंफर्म करेगा, एडमिन चेक करेगा टेबल अवेलेबल है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर रेस्टोरेंट में टेबल अवेलेबल नहीं होगा जो भी यूज़र चाहता है, ठीक है, तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो जब तक ये पेंडिंग रहेगा तो क्लिक फॉर बुकिंग का ऑप्शन डिसेबल रहेगा, मतलब वो इसको बुक नहीं कर सकता अभी। अभी उसने केवल रिक्वेस्ट भेजी है बुकिंग के लिए, बट ये बुकिंग अभी कंफर्म नहीं हुई है। तो लॉगआउट पे जाके हम वापस जाते हैं एडमिन सेक्शन में। तो एडमिन सेक्शन में जाके हमने यहाँ से लॉगिन किया, एडमिन का यूज़र नेम दिया, पासवर्ड दिया। अब आप देखेंगे एक बुकिंग रिक्वेस्ट भी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, कोई न्यू यूज़र रिक्वेस्ट नहीं है क्योंकि यूज़र को हमने एक्सेप्ट कर लिया था। अब न्यू बुकिंग रिक्वेस्ट पे अगर हम जाते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक बुकिंग रिक्वेस्ट आई है जो जिसका स्टेटस अभी पेंडिंग है। तो असाइन स्टेटस में
जाके एडमिन उसको एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। तो अगर एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्ट करने के बाद हमने लॉग आउट किया एडमिन अकाउंट से और वापस गए यूज़र अकाउंट में। तो यूज़र अकाउंट में हम लॉगिन करते हैं, हमने यूज़र का कॉन्टेक्ट नंबर दिया, पासवर्ड दिया, लॉगिन पे क्लिक किया। ठीक है, अब व्यू माय बुकिंग पे जाके आप देख सकते हैं आपकी जो बुकिंग है, अगर उसका स्टेटस एक्सेप्ट हो चुका है तो ये क्लिक फॉर बुकिंग वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। अब इसमें जाके आप इस बुकिंग को कंफर्म कर सकते हैं, अगर आप इसके लिए जो भी अमाउंट वगैरह है वो पे करते हैं। तो आपको यहाँ पे अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, मंथ एंटर करना है, ईयर एंटर करना है, सीवीसी, और अमाउंट स्टार्टिंग में जो पे करना है यूज़र को वो 50 रुपीज़ पे करना है टेबल रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, बाकी जो भी अमाउंट वो पे करेगा अकॉर्डिंग टू हर ऑर्डर, जो भी वो ऑर्डर करता है वो उसको उसी समय पे करना है इन दी रेस्टोरेंट, बट इन एडवांस 50 रुपी पे करेगा। देन पेमेंट पे क्लिक किया, बुकिंग सक्सेसफुल का ऑप्शन आया और ओके किया, बुकिंग सक्सेसफुल का मैसेज आया, ओके किया। तो आप देखेंगे बुकिंग यहाँ पे कंफर्म्ड हो चुकी है, अब फर्दर हम इसमें कोई वर्क नहीं कर सकते हैं बुकिंग वगैरह। ठीक है, तो यूज़र जो भी बुकिंग्स करता है उसको यहाँ पे शो होती जाएगी। लॉग आउट पे क्लिक किया, अब मैं आपको एडमिन सेक्शन में दिखा देता हूँ एक बार फिर से। तो एडमिन सेक्शन में जाते हैं, एडमिन अकाउंट में हमने लॉगिन किया, उसका यूज़र नेम दिया, पासवर्ड दिया, ठीक है, कोई बुकिंग रिक्वेस्ट नहीं है क्योंकि जो एक बुकिंग रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो वो कन्फर्म्ड बुकिंग में आ चुकी है। तो एक बुकिंग जो है कन्फर्म्ड हो चुकी है जिसका स्टेटस भी एक्सेप्ट है और अमाउंट भी पे हो चुका है। होल बुकिंग में सारी बुकिंग्स दिखेंगी बट अभी तो एक ही बुकिंग हमने की है, यहाँ पे वो सारी बुकिंग आएंगी जो एक्सेप्ट भी होगी, मतलब जो अमाउंट जिसमें पे हो चुका है एक्सेप्ट है या पेंडिंग है, सभी बुकिंग्स यहाँ पे एडमिन को दिखेगी। कन्फर्म्ड बुकिंग में केवल वही बुकिंग आएगी जिसका स्टेटस एक्सेप्ट है और अमाउंट पेमेंट भी हो चुका है। न्यू बुकिंग रिक्वेस्ट में वो रिक्वेस्ट आएगी जिसका स्टेटस अभी पेंडिंग है। व्यू यूज़र्स में सारे यूज़र्स डिस्प्ले होंगे। ठीक है, न्यू यूज़र रिक्वेस्ट में केवल वही यूज़र्स डिस्प्ले होंगे जिनका स्टेटस क्या है, पेंडिंग है। ठीक है, तो ये है एडमिन का वर्क और सभी उसमें आप देखेंगे हमने यहाँ पे डेटा टेबल्स का यूज़ किया हुआ है। जो भी इन्फॉर्मेशन एडमिन को दिख रही है टेबल के अंदर उसका वो चाहे तो PDF या एक्सेल फाइल भी जनरेट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ से डेटा हम सर्च भी कर सकते हैं जब काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हों, और एक पेज पे केवल 10 एंट्रीज़ आपको यहाँ पे शो होंगी, फिर पेज नंबर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, 10 से ज़्यादा एंट्री होंगी तो यहाँ पे 2 नंबर पेज आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये है बुक माई टेबल मीन्स रेस्टोरेंट टेबल रिजर्वेशन। अगर आप इसका सोर्स कोड चाहते हैं तो मुझे डेफिनेटली कॉन्टेक्ट कीजिए, और अगर इसी तरीके का कोई प्रोजेक्ट आप मुझसे चाहते हैं कि जिसका सोर्स कोड मैं आपको बना के दूँ तो आप उसके लिए भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ वेब एप्लीकेशन क्रिएट करवाना है तो आप मुझे डेफिनेटली कॉन्टेक्ट कीजिए। ठीक है, अगर आप कोई PPT या रिपोर्ट चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।